तो है गाइस, आज हम देखने वाले हैं एकदम ट्रेंडिंग रील्स और बहुत सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर। तो चलो देखते हैं। इसकी वजह से हाइट से डर लगता था, इसकी वजह से मोटर से उड़ रहा था भाई। तो अपना खत्म है, अब तो खत्म है, मोटर बंद हो गई मतलब खत्म है भाई। हंसते हंसते बोल रहा के मोटर बंद हो गई, जैसे कि पानी के मोटर नहीं हो वैसे, पानी बंद हो गया हो भाई, मतलब ऐसे ऊपर, इतनी ऊपर और मोटर बंद हो गई ऐसे बोल रहा। नीचे करियर खत्म होने वाला भाई, बोल रहा मोटर बंद हो गई। सुन नहीं रहे तुम सुनेगा कहां से, पट गई उसकी भी। तुमने करी है क्या पानी नहीं आ रहा हमारे निकला रहे हो खेतों में। इसलिए बोलते हैं रैंडम को फॉलो मत किया करो, कहीं भी उतार देते हैं, खेत वेत में इधर उधर, पानी में भी, कहीं पे भी उतार देते हैं साले। फॉलो मत किया करो रैंडम को। वो भाई अटकवाया अभी भी कुछ, वो सब तो ठीक है, मोटर बंद हो गई मरने वाला था वो आगे देखा जाएगा, लेकिन व्लॉगिंग बंद नहीं होनी चाहिए। क्रैश हो गया, ये क्या किया? आरो तरफ कोहरे वाले की जो फट रही थी वो नेक्स्ट लेवल की फट रही थी। इधर भाई हंस के बोल रहे मोटर बंद हो गई, क्या ही कर सकते हैं भाई का तो मोटर बंद हो गया, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हम तो लड़के हैं, किसी भी सिचुएशन हो हम तो हंसी लेते हैं। तो तुम लोगों ने कहानी जरूर सुनी होगी, गैण में दम नहीं लेकिन हम किसी से कम नहीं, ये कहानी कुछ इसी गांडू पे आधारित है। वो तो प्यार की बात थी मैडम, वरना टाइम पास के लिए तो मैं कपड़ों के जैसे लड़कियां बदल सकता। लड़कियां तो तू बाद में भी बदल सकता है, लेकिन उससे पहले तू अपना हेयर स्टाइल चेंज कर, जूड़े के साथ कहीं हवा में ना उड़ जाए तू। तू बेवजह मुझसे दूर हो गई, चल कोई बात नहीं, तू छपरियों को बॉयफ्रेंड बना। हाँ, तेरे से बड़ा छपरी कौन होगा, तेरे पूरे मार्केट में और तेरी पूरी गलियों में और तेरे पूरे शहर में तेरे से बड़ा कौन छपरी होगा। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो तुम इसकी ये वीडियो देखो कि ये कितना बड़ा छपरी है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अरे भाई मत रे फोटो बीटो। भाई मुझे तो लगता है ये लड़कियों पे अनशन डायलॉग मारता है, उन्हीं लड़कियों ने इसको पीटा और उसकी गेंद पे इतने थप्पड़ मारे, उसके कपड़े फाड़ दिए। मैं सच्ची बताऊं सुनंदा मैंने नहीं सुना, मैंने किसी का डांस नहीं देखा। क्यों? इनको तो फैमिली की पड़ी नहीं भाई, तो खान जाती क्या है, पूरा आसाम ऐसा कर रहा चलो भाई, उधर भारती ने बोला, अब समझ में आया होगा कि इन लोगों को कि फैमिली शो है, इधर जज्बात खो जाते हैं तो कुछ भी मत करो भाई। भारती तो है भाई, फैमिली शो है भाई, समझ रही है फैमिली शो है। चलो यार भारती इतनी अच्छी है, और मेरे को भारती में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि पहली बार कोई समझाने वाला उसको वहाँ पे मिला है कि ये फैमिली शो है, वरना सब एक दूसरे को पेले जा रहे हैं, उधर पेले जा रहे हैं और पेले जा रहे हैं, तो बिग बॉस में पीला ही हो गई चालू। अब तो बिग बॉस ठंडी कर रहा है। सौरव जोशी, सौरव जोशी पीने के बाद, और भाई सौरव जोशी को इस बार ना पड़ी पीयूष की जरूरत और ना पड़ी वो एक और छोटा सा चूजा है, पता नहीं नाम उसका क्या है, मैं तो देखता नहीं, तुम लोग देखते होगे तो तुमको पता होगा। तो भाई ये करके हम फेमस हो सकते हैं भाई, तुम कुछ भी करो यूट्यूब पे सब चलता है, बहुत लोग देखने वाले हैं, कुछ भी बकचोदी करके पेल दो, फेमस हो जाओगे, लोगों को चाहिए मजा, और वो अगर तुमने दे दिया, अब कैसे बकचोदी करके दे दो या पुनीत सुपर स्टार बन के दे दो, कैसे भी दे दो, हो जाओगे वायरल, तुम पिन कर दो अगर वायरल हो गए हो तो। सूर्यवंशम मूवी में पांच टांगों वाला हाथी, बल्कि इसलिए आई हूं, पांच टांगों वाला हाथी किधर है, आपसे जुड़ने के बाद कभी मेरा दिल नहीं टूटेगा। देखिए मेरा मेरे परिवार और तकदीर दोनों से अनबन है। दिखा
मुझसे गम या खुशी कोई भी चीज संभाली नहीं जाती। भाई लोग कितने खतरनाक है, इधर मूवी चल रही है उधर बातें चल रही है वो नहीं देख रहे, उधर पांच टांगों वाला हाथी देख लिया उन्होंने, ऐसे वो सेक्स वेक्स कर रहे होंगे तो उधर झूल रहा है, तो लोगों ने पांच टांगों वाला हाथी बना दिया। मतलब लोग इतने खतरनाक है ना, मतलब पूरी मूवी को, मूवी के बैकग्राउंड को, मूवी के जो बैकग्राउंड में जो लोग है क्या कर रहे सब कुछ देख लेते, सब कुछ देख रहे हो कितने खतरनाक लोग वेले हैं, हर एक चीज चेक कर रहे हैं। हैप्पी दीपावली। भाई खत्म। भाई भाई तो उल्टे फुलटे हो गए इधर रॉकेट जाते ही। ये स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन स्क्रिप्टेड चीजें बोलने वाली होती इधर, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, फटाका बोलता नहीं है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, ये रियल वीडियो है, ये रियल वीडियो है, इसमें मैं विश्वास कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जहाँ तक कि देखा ना यार, जब भी हम ऐसे रॉकेट, ऐसे जो सस्ते वाले रॉकेट होते हैं इधर उधर सू 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 जाते, वो वाला रॉकेट है ना ऐसे बहुत खतरनाक होता है रे। मैंने भी एक बार जलाया था, मैंने भी ऐसे हाथ में लिया था, ऐसे जलाया और पांच साल के पीछे जहाँ वो आदमी जा रहा उसके पीछे पीछे रॉकेट जा रहा, रॉकेट हैकर है, पक्का हैकर है, स्पीड हैकर।